आइए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक बेहतरीन मिठाई का रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में उतना ही टेस्टी है। तो देख लेते हैं इसके लिए हमें किन चीज़ों का ज़रूरत है। चीनी चाहिए, पनीर चाहिए, बस और कुछ नहीं, थोड़ा सा इलायची पाउडर। और मैं आज आपको बताऊंगी सारे टिप्स, छेना मुर्गी कैसे आपका बहुत अच्छा और क्रंची बनेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। हम 250 ग्राम पनीर लिए और पनीर को इस तरह से हम काट लिए। आप अपना मनचाहा पीसेस में काट सकते हैं, छोटा बड़ा। और हम एक कढ़ाई में अभी आधा कप चीनी ले लिए और इस चीनी में हम डबल पानी डाल देंगे, एक पानी डाल देंगे। इसको हाई फ्लेम में हम बॉईल कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे पनीर। सारे पनीर को हम इस तरह से डाल देंगे। दोस्तों बहुत अच्छा लगता है खाने में, आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। और मेरा रेसिपी अगर अच्छा लगे छेना मुर्गी का तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। तो देखिए हमारा पनीर बॉईल हो रहा है और इसको हमको एकदम हल्के हाथ से थोड़ा थोड़ा हिला देना है। अगर आप ज़्यादा जोर से हिलाइएगा तो पनीर का पीसेस फूटने का भी डर रहता है, तो एकदम हल्का हाथ में इसको हिलाना है। और एक इलायची पाउडर डाल देंगे और इसको 20 से 25 मिनट हम बॉईल होने देंगे। और तब तक हम एक टेबलस्पून चीनी लेके इसको कैरमलाइज करेंगे ताकि हमारा छेना मुर्गी का कलर बहुत सुंदर आ जाए। तो चीनी को हम इस तरह धीरे धीरे एकदम लो फ्लेम में चीनी को हम ऐसे हिला हिला के अभी थोड़ी देर में ये कलर आ जाएगा इसमें। तो इस तरह से बिना पानी डाले चीनी को हमको ऐसे हिलाते रहना है। देखिए ये चासनी जैसा बन गया है और इसका कलर अभी चेंज हो जाएगा। जब हल्का सा कलर चेंज हो जाए तो आप गैस के फ्लेम को बंद कर दीजिएगा। अगर ये ज़्यादा देर पका लीजिएगा तो ये कड़वा हो जाता है। इस तरह आप अगर हल्का सा कलर चेंज हो तो इसको आप गैस का फ्लेम एकदम ऑफ कर दीजिए और तुरंत इसको हम मिला देंगे उस पनीर में, जिस पनीर को हम अभी बॉईल कर रहे हैं चाशनी में। तो देखिए कलर हमारा हल्का हल्का चेंज होने लगा अभी, और इसको हम तुरंत अब मिला देंगे। अगर थोड़ा सा भी देर होगा, यहाँ पर एक टिप्स है, अगर इसको आप थोड़ा सा भी देर कीजिएगा तो ये कैरमलाइज शुगर तुरंत हार्ड हो जाएगा। तो आपको तुरंत इसको मिला देना है पनीर में, ऐसा सुंदर कलर इसमें आ जाएगा। तो फ्रेंड्स 20-25 मिनट के बाद मेरा पनीर का छेना मुर्गी हमारा रेडी हो गया है खाने के लिए। अब हम इसको लेते हैं, बहुत ही टेस्टी बना है, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको आप ठंडा करने के बाद खाइए, बहुत अच्छा लगता है। और इसका एक और एक हम रेसिपी देंगे आपको, जो वो ड्राई छेना मुर्गी होगा, चाशनी में नहीं इडली होगा। तो ये भी बहुत अच्छा लगता है खाने में, तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को।